हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जिसको कि यहाँ पे गुजरात में बोला जाता है गिलोड़ी की सब्जी या टिंडोड़ा की सब्जी, और साथ में इसको कुंदरू भी बोलते हैं, और ये बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसको हमने सुखा लिया है अच्छे से। सूखने के बाद इसको कैसे काटना है बाकी तो मैंने काट लिया है, बाकी आपको दिखाने के लिए आगे पीछे का काट के उसके बाद इसके दो पीस कर लेने हैं। आप दो पीस कर लें या चार पीस कर लें, पर यहाँ पे मैं आज इसी तरीके से, नए तरीके से मैं आज बनाने वाली हूँ उसको। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके बाद चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, और अब हम इसको इसमें जो हमने टिंडोड़े काट के रखे हैं उनको हम इसमें फ्राई करेंगे। इसको हमें इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। और इस सब्ज़ी को आप अगर इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें बहुत ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसको मतलब यहाँ पे गुजरात में तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, यहाँ तक कि शादियों में भी ये सब्ज़ी बनाई जाती है। तो आप भी पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए, साथ में नमक पूरे अंदर तक जाएगा तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा नमक डालने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फ्राई करने के बाद इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। जब तक थोड़ा सा फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ पर देखिए मैंने प्याज लहसुन चॉपर में चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे पीस अच्छे से हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छे से कुंदरू भी फ्राई हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं। तो जब इस तरीके का हो जाए तो यहाँ पे हमको ऐड करना है एक चम्मच बेसन। तो यहाँ पे एक चम्मच बेसन हम ऊपर से डालेंगे, और यहाँ पे उसके थोड़ा सा मैंने और लिया है, तो थोड़ा सा कुंदरू ज़्यादा है तो क्वांटिटी जैसी भी हो आपकी उस हिसाब से कम ज़्यादा। अब इसको हमें बेसन के साथ भून लेना है। अगर इस तरीके से आप बनाते हैं ना तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, जो बेसन का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर बेसन ये भून गया है लगभग, देख सकते हैं आप। तो अब ये हम गैस बंद कर देंगे, और भूनने के बाद उसके बाद जो है हम सब्जी को बनाने के प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से भून गया है, और कुंदरू भी लगभग 80% कुक हो चुका है फ्राई करने में, और बेसन के साथ भी ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सब्जी बनाने के लिए सेम कढ़ाई का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, और थोड़ा सा लिया है कुटा हुआ सौंफ। कुटा हुआ सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ज़रूर डालें। और इसको भून जाने देंगे अच्छे से। उसके बाद जो हमने चॉपर में चॉप किए हैं प्याज लहसुन अदरक मिर्च, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से भूनना है, प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने देना है। ये सब्जी अगर आप एक बार खा लेंगे बना के तो आप हर बार इसको लाकर बनाना पसंद करेंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। इसको आप रोटी के साथ, राइस के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसी कढ़ाई में मैंने बेसन भुना था, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चिपक रहा है, तो हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक टमाटर छोटे छोटे पीस करके मैंने यहाँ पे चॉपर में ही छोटे छोटे कर लिए थे, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर आपको खट्टा सब्जी खाना ज़्यादा पसंद हो तो आप अमचूर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर दो टमाटर का भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको खट्टा पसंद हो। हमारे यहाँ ज़्यादा यहाँ पर जब तक प्याज भून रही है तब तक हमने मसाले रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे दो चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैंने लिया है। अब इन सारी चीज़ों को इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि प्याज भी अच्छे से, टमाटर भी गल चुका है। तो अब हम यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मसालों को ऑयल के साथ डालने से सब्ज़ी का कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मसाले अच्छे से भून जाएं, जले नहीं, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक चम्मच पानी डाल देंगे और उसको फिर हम भून लेंगे। तो इससे क्या है कि मसाले का कच्चापन नहीं आता है और सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे हल्का सा ही पानी डाला और अब मैं इसको अच्छे से भून लिया, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, और पहले भी हमने डाला है तो उस बात का हमें ध्यान रखना है।
कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, पहले भी डाला है उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला जब अच्छे से भून गया उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी। तो यहाँ पे कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी होती है तो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे हमने कसूरी मेथी को धो लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब ये अच्छे से भून जाएगा और एक अच्छा उबाल देखिए आने लगा है, तब इसमें जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है कुंदरू, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब ये मसालों के साथ कुंदरू को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो मसालों के साथ भूनने के बाद हम पानी गर्म करके रखेंगे, फिर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें। अब यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, मसाले के साथ भूनने देंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से भून चुका है और ऑयल भी देख सकते हैं छोड़ दिया है। अगर आपको ड्राई खानी है तो आप इसी तरीके की रख सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी वाली खानी है तो गर्म पानी यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ग्रेवी अपने हिसाब से रखें, जैसी भी आपको पसंद हो। जो बेसन हमने इसमें भून के साथ में डाला है ना, उससे इसका जो ग्रेवी है वो भी बहुत टेस्टी हो जाती है, और जो है सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे हम इसको फिर से कवर करेंगे 1-2 मिनट के लिए, और इसको हम पकने देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं, और अब थोड़ी देर के बाद मैंने ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। देखने में इतनी टेस्टी लग रही है तो खाने में तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी, ग्रेवी भी इसकी कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए इस प्लेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगी आप सबसे अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। एक मोटिवेशन मिलता है लाइक से, और शेयर ज़रूर करें रेसिपी।